हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा रिले के बारे में। रिले हम कैसे ट्रिगर कराते हैं, और रिले बेसिकली आप जानते हैं कि रिले एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिसमें बेसिकली 5 पॉइंट होते हैं। एक दो हमारी कॉइल के रहते हैं एंड एक कॉमन होता है, एक एनसी रहता है जिसको एक एनओ रहता है। एनसी यानी नॉर्मल कनेक्टर, एनओ यानी नॉर्मल ओपन। एक कॉमन पॉइंट रहता है जिसमें हम कॉमन पर कोई भी सप्लाई आप प्रोवाइड कराओगे वो आपको एनसी और एनओ पे मिल जाएगी। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे स्विच कराई है एसी वोल्टेज, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। इसको वी साइन या अल्टरनेटर के नाम से इसको सर्च कर सकते हो आप। और यहाँ एक बल्ब कनेक्ट किया है जिसकी वैल्यू मैंने 230 वोल्ट एसी सेट कर दिया है, और 12 वोल्ट की रिले है। आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो लाइब्रेरी में जाके ये पी दिख रहा है, या फिर डायरेक्ट आप की पैड पर पी प्रेस करोगे आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। जैसे पी प्रेस किया और यहाँ लाइब्रेरी जाके जहाँ आप नाम डालोगे, जैसे वी साइन यस वी साइन ओके। तो रिले बेसिकली यहाँ पे ट्रिगर करा रहा हूँ मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के थ्रू। ये 12 वोल्ट का सोर्स ले रखा है, और ट्रांजिस्टर एनपीएन के बारे में आप जानते होंगे कि जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करने, तो उसको स्विच कराने के लिए, ट्रिगर कराने के लिए बेसिकली सैचुरेशन मोड में हमें हाई पल्स देनी पड़ती है, यानी पी एन पी एन। तो इसके बेस पर हमें पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो ये बेसिकली सप्लाई नेगेटिव स्विच करेगा, और नेगेटिव सप्लाई स्विच जैसे ये ट्रांजिस्टर सैचुरेट हो जाएगा कॉइल पॉइंट पर नेगेटिव प्रोवाइड करा देगा, और कॉइल के एक पॉइंट पे हमने 12 वोल्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो जैसे ही ये स्विच करेगा कि कॉइल हमारी मैग्नेटाइज हो जाएगी। मैग्नेटाइज होने पे क्या होगा कि जो कॉमन पॉइंट एनसी से कनेक्टेड था पहले, वो एनओ पे कनेक्टेड हो जाएगा। तो एनसी कॉमन पॉइंट हमने आप जानते हैं कि यहाँ पर 230 वोल्ट मैंने एसी प्रोवाइड कर दिया है, तो वो स्विच होके बल्ब से कनेक्ट हो जाएगी, आपका बल्ब ग्लो कर जाएगा। सो आपको सिमुलेशन के लिए मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ ये मैंने स्टार्ट कर दिया है, और यस मैंने यहाँ से प्ले कर दिया है, और मैं इसको अभी ओपन करता हूँ। ये देख सकते हैं आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, और जो कॉमन पॉइंट है वो रिले वो एनसी से कनेक्टेड है। और जैसे ही मैं इसको हाई पल्स प्रोवाइड करूँगा ट्रांजिस्टर मेरा ट्रिगर हो जाएगा, और ये जो कॉमन पॉइंट है वो एनसी से एनओ से कनेक्टेड हो गया है। एनओ पर कनेक्टेड ये सप्लाई स्विच हो गई है, और ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, और या आप कुछ इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है BSACET धर्मेंद्रा, आप उसको सर्च कर सकते हैं। और भी वीडियो से माइक्रो कंट्रोल बेस्ड वीडियो हैं जो आपको सीखने को मिलेगी, मैंने इस पर कोड भी दिखा रखे हैं। ओके फ्रेंड।